जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम करेंगे हॉस्टल उड़न परीक्षा की तैयारी, जिसमें हम एलसीएम और एसएफ का प्रश्न लेके और आए हैं। ये सभी प्रश्न जो हमारे पीवाईक्यू है, अर्थात पुराने वर्षों में पूछे गए प्रश्नों को हम सॉल्व कर रहे हैं। एक ऐसा यूट्यूब चैनल है जिसमें आपको पिछले 10 साल के मैथ्स का प्रश्न मिलने वाले हैं, टॉपिक वाइज कि किस प्रकार से प्रश्न पूछा गया था, उसको कैसे सॉल्व करना था। कोई भी एग्जाम यदि आप क्लियर करना चाहते हैं तो ज़्यादा अच्छा है कि जब तक आप पुराने प्रश्नों को क्लियर नहीं करेंगे तब तक आपको एग्जाम निकालना दिक्कतें हो जाएंगी। प्लस परीक्षा एग्जाम पुस्तक ऐसी, यदि आप पहली बार एग्जाम फाइट कर रहे हैं व्यापम या पीएससी का, तो एक नॉलेज होना चाहिए कि एग्जाम में प्रश्न आता कैसे है और लेवल क्या होता है। इसके लिए पीवाईक्यू करना अनिवार्य है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। दूसरी बात, यदि इस चैनल पर नए हैं तो पहले पूरा वीडियो देख लीजिएगा, पसंद आए तो ही चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिएगा, लास्ट में बेल आइकॉन भी प्रेस कर लीजिएगा। पहला प्रश्न, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 में है तथा उनका लघुत्तम समापवर्तक 180 है, तो प्रथम संख्या क्या होगी। वैसे तो ये हमारा डिटेल क्लास नहीं है, फिर भी हम थोड़ा सा डिटेलिंग आपको यहाँ बता देते हैं। मान लेते हैं यदि एलसीएम और एचसीएफ का क्लास है, यहाँ पर तो वैसे एचसीएफ दिया नहीं है, मैं एचसीएफ एक्स मान लेता हूँ। और याद रखिएगा, यदि कोई भी चीज़ आपको अनुपात में दी गई है संख्या को, तो संख्या निकालते कैसे हैं, उस अनुपात में हम जब x का गुना कर देते हैं तो वो संख्या निकल जाती है ना। जैसे 3x में गुना, 3 में x गुना करेंगे तो हमको पहला संख्या मिलेगा, उसी प्रकार 4 में x गुना करेंगे तो 4x निकल जाता है, या मैं ये कह सकता हूँ, ठीक है। और दूसरी बात, लघुत्तम समापवर्तक का मतलब क्या होता है, एलसीएम। एलसीएम का मतलब होता है यदि एलसीएम का मतलब हो जाएगा यदि कोई भी संख्या अनुपात में दिया गया है, तब एलसीएम का मतलब होता है संख्या का गुणनफल, मतलब 3:4। लेकिन ये संख्या तो नहीं है क्योंकि इसमें x मिलाएंगे तभी ये संख्या बनेगा, ठीक है। तो हम यहाँ x ऐसा गुना कर सकते हैं, ठीक है, x इस प्रकार से हम इसको गुना कर सकते हैं, ये हमारा एलसीएम कहलाएगा, ठीक है। तो इतने तो रफ बात आपके जानने के लिए था कि किस प्रकार से हम एलसीएम एचसीएफ को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ लिखा गया है एलसीएम, है ना। तो यदि चीज अनुपात में दी गई है तो एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, एलसीएम बराबर हो जाएगा ए बी, यहाँ ए बी क्या चीज़ है, ए बी संख्या है, गुना एक्स, एक्स मतलब महत्तम समापवर्तक, ये एलसीएम का फॉर्मूला है। चलिए अब इसको हम स्टार्ट करते हैं बनाना। एलसीएम हमको दिया गया है कितना, 180 दिया गया है, बराबर ए इंटू बी, ठीक है। ए इंटू बी मतलब ए 3 मान लीजिए, बी को 4 मान लीजिए। हमको क्या दिया, हमारे पास एचसीएफ तो दिया नहीं गया है, तो एचसीएफ को हम छोड़ देते हैं, एचसीएफ एक्स हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 × 12, या फिर इसको काटेंगे तो भी काट सकते हैं, ये हो गया 180, 4 × 12 एक्स। अब 12 से 180 को काटेंगे, कितने बार में कट जाएगा, ये 15 बार में कट जाएगा, तो x की वैल्यू आ गई 15। अब हमको संख्या निकालना है, संख्या कैसे निकालना है, पहला संख्या है 3, तो हम यहाँ करेंगे 3x हमारा पहला संख्या हो जाएगा, 3 बराबर हो जाएगा 3 × 15, 15 × 3 = 45, ठीक है, 15 × 3 = 45। वो यदि हम दूसरा संख्या निकालना चाहें, 4x हो जाएगा, 4 × 15, 15 × 4 = 60, ठीक है। हमको पहले संख्या के बारे में पूछा गया है, तो पहला संख्या 3 है और 3 से रिलेटेड संख्या हमारे पास आई है 45, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, 1001 पेन और 910 पेंसिल विद्यार्थियों में इस प्रकार बांटना है कि प्रत्येक विद्यार्थी को समान संख्या में पेन और समान संख्या में पेंसिल मिले। बताइए अधिकतम कितने विद्यार्थी हो सकते हैं। जब भी ऐसा बात होगा तो याद रख लीजिएगा, कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास 3 लीटर का पेन है या फिर 3 लीटर का जार है, 4 लीटर का जार है, तो ऐसा एक संपूर्ण जार पूछा जाएगा जिसमें हम सभी को नाप सकें, ऐसे बहुत सारे प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। तो ऐसे में केवल और केवल आपको एचसीएफ निकालना होता है, एचसीएफ मतलब महत्तम समापवर्तक, ठीक है। तब हम क्या करेंगे, 1001 और 910 का एचसीएफ निकालेंगे, ठीक है, एचसीएफ निकालेंगे। देखिए हमेशा पूछा जाएगा अधिकतम, और अगर न्यूनतम पूछा जाएगा तो एलसीएम निकालना है, अधिकतम पूछा जाएगा तो एचसीएफ निकालना है, ठीक है। चलिए तो इसका हम यदि हम एचसीएफ निकालना चाहें तो हमारे पास एक डिफरेंस मेथड होता है। डिफरेंस मेथड मतलब बड़े में छोटे को हम माइनस करेंगे, तो ये हो जाएगा 1001 में 910 को माइनस करेंगे, 91 आ जाएगा। अब ये देखिए क्या 91 इन सभी को डिवाइड कर रहा है क्या, बिल्कुल कर रहा है, 91 से 910 और 1001 दोनों के दोनों पूर्ण रूप से डिवाइड हो जाएंगे। इसका मतलब ये है कि इसका उत्तर 91 ही होगा। वैसे इसका एचसीएफ और कुछ भी हो सकता है, बहुत सारा एचसीएफ हो सकता है, लेकिन हमको अधिकतम निकालना है ना, अधिकतम निकालना है। वैसे इसका सभी दो या दो से अधिक संख्याओं का
SCF होता है 1, ठीक है। SM का मतलब यदि ज़्यादा डिटेल पढ़ना चाहते हैं तो इसी YouTube के चैनल में आपको इसकी डिटेल क्लास भी मिल जाएगी। तीन विभिन्न चौराहों पर ट्रैफिक लाइट प्रत्येक क्रमशः 48 सेकंड, 72 सेकंड और 108 सेकंड के बाद बदलती है। यदि वे एक साथ 8 बजकर 20 मिनट 00 सेकंड समय पर बदलती है तो अब फिर एक साथ कब बदलेगी नेक्स्ट टाइम? जब भी ऐसा होगा तो आपको एलसीएम की ओर आपका ध्यान केंद्रित होना चाहिए कि हमको एलसीएम निकालना है, ठीक है। एलसीएम निकालना है तब हमारे पास है 48 सेकंड, 72 सेकंड और 108। किसका निकालना है? 48 सेकंड है, ठीक है, 72 सेकंड है और 108 सेकंड है। किसमें है? ये सेकंड में है ना, याद रखिएगा ये सेकंड में है। तो जब भी आप इस प्रकार के निकालने की कोशिश करेंगे तो देखिएगा, जब भी हम एलसीएम निकालेंगे तो जो बड़ी संख्या उस पर हमारा ध्यान केंद्रित होना चाहिए, ठीक है, बड़ी संख्या पर हमारा ध्यान केंद्रित होना चाहिए। और सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनका प्राइम फैक्टर करेंगे, ठीक है। तो बचपन में जो हम सीखे थे ना उसी को हम प्राइम फैक्टर करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। बचपन में हम जो सीखे हैं उसी को प्राइम फैक्टर करते हैं, या इन तीनों का एक साथ भी हम प्राइम फैक्टर कर सकते हैं, एक बार में हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तीनों का एक बार में करेंगे तो एक बार हमारा आंसर इसमें आ सकता है। और अगर तीनों का एक बार नहीं करना चाहते तो मैं इसको अलग अलग करके आपको दिखा देता हूँ कि अलग अलग इसको करते कैसे हैं, ठीक है, अलग अलग। तो सबसे पहले हम 108 के पास चलते हैं। 108 को प्राइम फैक्टर करेंगे तो 2 में 54 बार में चला जाएगा। 54 का आधा कितना होता है? 54 का आधा हो जाएगा 27। अब तो 2 से जाएगा नहीं, 3 से जाएगा, तो 3 या 27, 3 एकम 3, 3 3 या 9, ठीक है, यह आधा चला गया है ना। उसके बाद हमको क्या निकालना है? उसके बाद हमको निकालना है 72 का निकालना है। तो 72 का निकालेंगे तो 2 से जाएगा, ठीक है, 2 से जाएगा तो 36 बार में कटेगा। फिर से 2 से जाएगा, 18 दूनी 36 हो जाएगा। फिर से कटेगा तो 9 दूनी 18, और ये 3 से जाएगा तो 3 3 9, ठीक है, 3 3 9। अब उसके बाद हम किसका निकाल सकते हैं? 48 का भी निकाल सकते हैं। तो 48 का निकाल के देखिए, 2 से निकालेंगे तो कितने बार में चला जाएगा? 24 बार में। 24 दूनी 48 होता है ना, तो ये 24 दूनी 48 हो गया। 2 से निकालेंगे तो 12 बार में जाएगा। फिर से 2 से निकालेंगे 6 बार में जाएगा। फिर से 2 से निकालेंगे तो 3 बार में जाएगा, ठीक है, 3 बार में जाएगा। अब क्या होता है, जो बड़ी संख्या है उसको हम प्राइम फैक्टर में लिख लेते हैं। जैसे 108 है, 108 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2 × 2 × 2 यहाँ पे जो दिया उसको, है ना, और 3 × 3 ये हो गया, ठीक है। अब देखिए इसके बाद 72 कौन सा है? इसके बाद हमारे पास 72 है, तो 72 में वो संख्या है जो पहले से आ चुकी उसको हम नहीं लेंगे। जैसे हमारे पास 3 × 2 है और यहाँ भी 3 × 2 है, तो हम तीनों को काटेंगे, ठीक है। यहाँ पर 2 की संख्या 2 बार है, क्या मैं 3 बार लिख दिया हूँ, सॉरी, 2 की संख्या यहाँ पे केवल और केवल 2 बार है, ठीक है, 2 बार है, और 3 जो है 3 बार है, है ना, 3 जो है 3 बार है, वो गलती से 2 बार लिखा गया था, तो सामने मैं 3 ऐड कर देता हूँ, ठीक है। अब देखिए 72 को निकालना है तो नीचे हमारे पास 2 है, तो 2 × 2 को आप काट दीजिए, 1 2 के लिए हमारे पास जोड़ा नहीं है। नीचे कितना 3 है? 2 3 है, और ऊपर 3 3 है, तो ये भी काट सकते हैं। 2 के लिए हमारे पास कोई जगह नहीं बच रहा था, 2 को हमने यहाँ लिख दिया। सेम 48 के साथ ही काम करना है, हमारे पास कितना 2 ऊपर 1 2 3 4, और यहाँ 2 कितना है? 1 2 3, तो ये दो गया, हमारे पास कौन सा बच जाएगा? फिर से 2 लिखेंगे, 3 यहाँ पे है, तो 3 को लिखने की आवश्यकता नहीं है। बस इस पूरे को गुना करेंगे, हमारा एलसीएम आ जाएगा, है ना, एलसीएम हो जाएगा 432 हो जाएगा। और क्योंकि ये सेकंड में, मिनट में बदलने के लिए हम 60 से इसको भाग दे देंगे। 60 से भाग देंगे तो कितने बार में चला जाएगा ये? 60 से भाग देंगे तो ये चला जाएगा हमारा 7 मिनट, ठीक है, 7 मिनट 12 सेकंड हो जाएगा। 7 मिनट 12 सेकंड मतलब पहले ये घड़ी 8 बज के 24 20 मिनट में बजा, 8 बज के जो ट्रैफिक लाइट है 8 बज के 20 मिनट में जला था, अब 8 बज के 27 मिनट 12 सेकंड में बजेगा। कहाँ पे? 8 बज के 27 12, ये है 8 बज के 27 12, ऑप्शन नंबर सी, 8 12 27 घंटे में, ठीक है। अब इसको एक साथ कैसे निकालना, ये भी अगर देखना चाहते हैं क्या, अब इसी को यदि आप अलग अलग नहीं करना चाहते तो हम इसको एक बार में भी देख सकते हैं, ठीक है। एक बार में कैसे बनाना है इसको देखिएगा, एक बार में यदि हम इसको बनाना चाहें तो किस प्रकार से बनाएंगे, एक बार में मतलब एक ही साथ इसका प्राइम फैक्टर कर सकते हैं, देखिए इस प्रकार से। और ये आपका सरल, सस्ता और टिकाऊ भी होगा। 108 है, 108 के बाद 72 है, फिर ये 48 है। ये किससे किससे कट सकता है? तो ये 2 से काटेंगे तो ये 108 54 बार में कटेगा, 72 36 बार में कट जाएगा, और 48 जो है 24 बार में कट जाएगा। 24 दिन 48 होता है, अभी भी 2 से जाएगा, ठीक है। तो 54 का आधा हो जाएगा 27, 36 का आधा हो जाएगा 18, और 24 का 18 आधा हो जाएगा 12। उसी प्रकार फिर से 2 से जाएगा तो 27 नहीं जाएगा, जे को लिख दीजिए, 18 का आधा हो जाएगा 9, 6 का आधा हो जाएगा 12 का आधा हो जाएगा 6,
ठीक है, अभी भी 2 से जाएगा तो ये 27 जाएगा नहीं, 9 भी नहीं जाएगा, 6 का आधा हो जाएगा 3। अब 2 से नहीं जाएगा तो 3 से लगाते हैं, तो 3 × 27, 3 × 9, 3 × 3, फिर अभी भी 3 से जाएगा क्या, बिल्कुल जाएगा, 3 × 3, 3 × 9, 3 × 3, 3 × 1, 1। ठीक है, अब देखिए हमारे पास 2 2 2 चार बार 2 आए थे ना, 1 2 3 4, यहाँ भी चार बार 2 आ गया। 3 कितने बार आया था, 1 2 3, 3 3 बार आया था, देखिए सेम आ गया। यदि इस पूरे को गुना करते हैं, है ना, इस पूरे को यदि गुना करते हैं तो हमको पुनः 432 मिल जाएगा। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं और दूसरा तरीका भी आप अपना सकते हैं। अगला प्रश्न, दो संख्याओं के लघुत्तम समापवर्तक तथा उनके महत्तम समापवर्तक क्रमशः 3003 तथा 21 है, यदि एक संख्या 231 है, ठीक है, यदि एक संख्या 231 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। एलसीएम एचसीएफ के मामले में याद रखिएगा, एचसीएफ गुना एलसीएम बराबर होता है ए इंटू बी। यहाँ पे ए और बी क्या चीज है, संख्या है, ठीक है, यहाँ पे ए और बी क्या चीज है, संख्या है, ठीक है। तो देखिए हमारे पास एलसीएम एचसीएफ दिया हुआ क्या, बिल्कुल दिया हुआ है ना, एचसीएफ दिया हुआ है 21 और एलसीएम दिया है 3003। एक संख्या कोई दिया है, एक संख्या को एक मान लेते हैं, तो 231 दिया गया है, बी हमको ज्ञात करना है। पक्षांतर करके मान निकाल सकते हैं या फिर बाय ऑप्शन चलना चाहे तो बाय ऑप्शन बना सकते हैं क्या। देखिए यदि एक, यदि मैं इकाई अंक से बनाऊं तो एक और तीन का गुना करूं तो इकाई अंक 3 आ जाएगा। अब यहाँ मेरे पास इकाई अंक में 1 है तो बी में मैं क्या रख सकता हूँ, तो बी में ये, मैं बी में ये वाला नहीं रख सकता, 1 × 1 हो जाएगा, इसको नहीं रख सकता। 273 या फिर 373, दोनों में से कोई एक आंसर आ जाएगा, तो ए और सी तो कट गया। यदि इसमें से केवल और मान लेते हैं ये ऑप्शन में नहीं रहता, 415 मान लेते हैं, या फिर 3 के इसके यूनिट डिजिट में 3 के अलावा कोई और भी डिजिट होता तब मैं इसको आंसर लगा के जा सकता था, क्योंकि इकाई अंक से मेरा काम बन रहा है। लेकिन यहाँ पे हमने केवल और केवल दो ऑप्शन को एलिमिनेट कर पाए, इसलिए हमको पूरा बनाना पड़ेगा। पूरा बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 21 × 3003 / 231 बराबर बी, ठीक है, 231 बराबर बी। अब इसको आप 21 से काटते हैं ना, तो 231 आपके 11 बार में कट जाता है, ठीक है, 11 बार में कट जाता है, और इस 11 से आप 3003 को काटेंगे तो 273 बार में कट जाएगा, 273 बार में, अर्थात बी की वैल्यू हो जाएगी 273, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, यदि दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है और उनके महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्तक का गुणनफल 33,750 है तो संख्याओं का योग क्या होगा। क्या कहा गया है, संख्याओं का योग क्या होगा, यह हमको पूछा गया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हमने जस्ट इसके पहले देखा था कि दो संख्याओं का लघु, है ना, हमने क्या देखा था, एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर ए इंटू बी, ये देखा था हमने, ए इंटू बी देखा था, ठीक है। चलिए तो क्या लिख सकते हैं, एलसीएम एचसीएफ हमारे पास तो डायरेक्ट गुना गुणनफल हमको दे दिया गया है, एलसीएम एचसीएफ पता नहीं है लेकिन गुणनफल दे दिया गया है, तो हो जाएगा 33,750। दूसरी बात हमने ये बताया था, यदि हमारे पास संख्या यदि औसत में है तो हमको उस संख्या का मान निकालने के लिए उसमें एक्स जोड़ना पड़ता है, और एक्स हमेशा एचसीएफ होता है, क्या होता है, एक्स हमेशा एचसीएफ होता है, तो ये हो जाएगा आपका ए एक्स गुना बी एक्स, ये आपकी संख्या बन गई, ठीक है। अब इसको हम गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए सॉरी यहाँ पे कोई मान को तो मान दिया गया, तो ए बी की जगह हम सीधा मान भी रख सकते हैं, हमको यहाँ पे मान दिया गया है ना, तो ए बी की जगह हम सीधा मान रखते हैं, यहाँ पे ए बी की जगह मान रखेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2x × 3x, ठीक है। अभी हो जाएगा 33,750 बराबर 3 × 6x², 6 से अब इसको काट देते हैं, 6 से भाग लगा दीजिए, 6 से भाग लगाएंगे तो कितने बार में भाग चला जाएगा, ये 6 से भाग लगाएंगे तो ये हो जाएगा 5,625, ठीक है, 5,625 मैंने भाग करके देख लिया है, आप भी देख लीजिएगा, 6 से काटेंगे तो कितने बार में कटेगा, 5,625 बार में कटेगा, जो एक्स स्क्वायर का मान है। अब यदि हम बोथ साइड अगर रूट लगा देते हैं तो यहाँ से रूट कट जाएगा, ठीक है, ऐसी होता है ना, यदि एक साइड स्क्वायर है, स्क्वायर को हटाना है तो उसमें रूट लगाना होता है, रूट लगाएंगे तो एक साइड का रूट कट जाएगा और ये हो जाएगा 5,625। वास्तविक में होता ऐसा है, देखिए है ना, यदि हम इसको रूट लगाते हैं तो ये एक्स स्क्वायर है, स्क्वायर से ये वाला रूट कट जाता है तो लास्ट हमारे पास एक्स ही बचता है, ठीक है। अब देखिए 5,625 का रूट क्या होता है, 5,625 का रूट क्या होता है, तो 5,625 का रूट होता है 75, ठीक है, और ये एक्स स्क्वायर है।
इसका मान निकालना सीखे थे कि आपने? यदि आपने मान निकालना नहीं सीखा है कि रूट का मान निकालते कैसे हैं, तो रूट वाले चैप्टर जाके देख लीजिएगा। हमने स्क्वायर और रूट के संबंध में 3-4 वीडियो बनाए हैं, वो आप अच्छे से देखिए। और रूट कैसे निकालते हैं ये आपको सीखना है, क्योंकि कभी कभी आपको रूट डायरेक्ट रूट निकालने के लिए प्रश्न नहीं आता है, लेकिन कई बार प्रश्नों का डिमांड हो जाता है कि आपको रूट निकालना पड़ता है। ठीक है, तो आपको रूट निकालना सीखना चाहिए। चलिए, तो एक्स की वैल्यू आ गई 75। हमको संख्याओं का योग पूछा गया, सबसे पहले हम संख्या निकाल लेते हैं। और संख्या योग न निकाल के हम सीधा, क्योंकि अनुपात में है तो 2:3 गुना एक्स भी कर सकते हैं, तो अभी मान हमारा वही आने वाला है। ठीक है, तो ये 5 हो जाएगा। एक्स की वैल्यू कितना है? 75 है। एक्स की वैल्यू क्या है? 75। तो 5 और 75 में गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 375 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 375 आ जाएगा। ठीक है, 375 है ऑप्शन नंबर सी में। निम्नलिखित में से वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 6, 9, 15 तथा 18 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेष 4 बचे? ठीक है, प्रत्येक स्थिति में शेष 4 बचे। याद रखिएगा, जब भी कहा जाएगा कि प्रत्येक स्थिति में शेष 4 बचे, तो आपको संख्या का एलसीएम निकाल के लास्ट में इस शेष को ऐड कर देना है। ठीक है, लास्ट में इस शेष को ऐड कर देना है। तो हमारे पास संख्या क्या क्या है? 6 है, 9 है, 15 है और ये 18 है। अब देखिए, 6 3 18 होता है, 9 2 18, मतलब ये 6 और 9 इस 18 में शामिल है, तो 9 और 6 की जरूरत ही नहीं है हमको। ठीक है, अब हमको, हम 18 को पकड़ते हैं, 18 को पकड़ने पर इसका हम प्राइम फैक्टर कर देते हैं। प्राइम फैक्टर करेंगे तो 18 में क्या हो जाएगा? ठीक है, 18 में प्राइम फैक्टर करेंगे क्या होगा? 9 2 18 होता है तो 2 3 गुना 3 3 9, तो 3 3 9 9 2 18 ये हो गया। अब इस 15 का प्राइम फैक्टर कैसे करते हैं? 5 3 15, तो हमारे पास 3 तो है, 3 की आवश्यकता नहीं है, बस 5 यहाँ लिख दीजिए। तो ये हो गया 18 5 90, मतलब इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? 18 5 90। और जब भी ऐसी स्थिति आएगी कि हमेशा शेष सेम बचे या फिर कोई भी एक कॉमन संख्या बचे, तब एलसीएम में इसको हम ऐड कर देते हैं। तो ये देखिए, एलसीएम में हम 90 में 4 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 94। तो 94 एक ऐसी संख्या है, जब भी हम 6 9 15 18 से विभाजित करेंगे तो हमेशा 4 शेष आएगा। ठीक है, हमेशा 4 शेष आएगा। एक हाथ करके देख लेते हैं। ठीक है, हम 94 को 9 से डिवाइड करते हैं तो 9 दहम 90 हो जाता है। ठीक है, 9 दहम 90 हो जाएगा, बचा क्या? 4। चलिए यहाँ से चेक कर लेते हैं, एक और चेक कर लेते हैं 6 से। ये हो गया 9 4, 6 एकम 6, एक बार में गया, बचा कितना? 3। 6 5 30, 6 5 30, रिमाइंडर बचा 4। इस मतलब ये हमारा प्रूफ हो गया कि ये बिल्कुल सही काम कर रहा है। ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर है। अगला प्रश्न, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक उनके महत्तम समापवर्तक का 84 गुना है और महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक का जो योग है 680 है, तथा एक संख्या यदि 56 हो तो दूसरी संख्या क्या है हमको बताना है। ठीक है, दूसरी संख्या क्या है ये बताना है। इस बहुत आसान है, थोड़ा सा कैलकुलेशन होगा इसमें। तो हमको क्या दिया गया? एलसीएम दिया गया है। दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक उसके महत्तम का 84 गुना है। ठीक है, महत्तम का 84 गुना है, तो जो एलसीएम है HCF के 84 गुना है। ठीक है, यही लिखा गया है। उसके बाद क्या कहता है कि महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम का योग। ठीक है, मतलब LCM प्लस HCF का जो योग है वो क्या है? 680 है। यदि आप इसको समीकरण एक मान लेते हैं और इसको समीकरण दो कर लेते हैं। ठीक है, अब क्या करना है हमको? समीकरण एक में हमको क्या मान रख देना है? समीकरण एक में हम LCM का मान रख देते हैं। ठीक है, समीकरण दो में हम समीकरण एलसीएम का मान रखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, हम यहाँ पे मान रखने वाले हैं एलसीएम का वैल्यू हमारे पास दिया गया एचसीएफ है। एलसीएम की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? एलसीएम की जगह मैं लिख सकता हूँ एचसीएफ गुना 84, या इसी को डायरेक्ट मैं गुना में ना लिख के 84 एलसीएम लिख सकता हूँ क्या? एचसीएफ लिख सकता हूँ क्या? क्या लिख सकता हूँ? 84 एचसीएफ प्लस एचसीएफ बराबर 680। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर देते हैं। ये 84 HCF और 1 HCF दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 85 HCF बराबर 680। बहुत लोगों ने डिमांड किया था कि सर आप बहुत शॉर्टकट बताते हो, थोड़ा इसको प्रोसेस बढ़ाओ, तो मैं प्रोसेस बढ़ा के बता रहा हूँ। वैसे ये 1 से 2 लाइन में खत्म होने का प्रश्न है, लेकिन बहुत लोग का डिमांड रहता है कि आप 1 ही 2 लाइन में खत्म कर देते हो प्रश्न को। तो चलिए भाई, 1 लाइन में खत्म नहीं करते। 85 से काटेंगे तो 680 8 बार में कट जाएगा। इसका मतलब HCF की वैल्यू हो जाएगी 8। अब HCF की वैल्यू 8 हो गई। ठीक है, अब हमको LCM निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगा। LCM निकालने के लिए इस पहले बारे में हम मान रख देते हैं HCF का, तो हमारा LCM निकल जाएगा। ठीक है,
HCF निकल चुका है, अब हमको LCM निकालना है। तो LCM बराबर क्या हो जाता है, HCF, HCF का मान है 8 और ये 84 गुना है, गुना कर दीजिए मान आ जाएगा, ठीक है, गुना कर दीजिए मान आ जाएगा, ये आपका मान आ जाएगा। लेकिन इसको गुना करने से बचिए, क्योंकि हमको हमको क्या निकालना है, दूसरी संख्या निकालना है और पहली संख्या हमको दिया हुआ है। तो आपको एक हमेशा नियम पता है, एलसीएम और एचसीएफ का जो गुणनफल है दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। मतलब मेरे पास मतलब ये लिख सकता हूँ, एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर ए इंटू बी, जहाँ ए इंटू बी संख्या है। तो एलसीएम का मान मेरे पास क्या है, 8 गुना 84, और एचसीएफ का मान क्या है, एचसीएफ का मान मेरे पास 8 है। एक वैल्यू दी गई है क्या, 56, देखिए एक संख्या का मान दे दिया गया है 56, गुना हो जाएगा बी, ठीक है, गुना हो जाएगा बी। अब यहाँ से हम निकाल सकते हैं, ठीक है, इस 56 को पक्षांतर कर देते हैं, तो 8 गुना 84 गुना 8/56 बराबर बी। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, हमारे पास आंसर आ जाएगा 8 एकम 8, 8 सत्ते 56, ठीक है, 8 सत्ते 56, और 7 एकम 7, और 12 सत्ते हो जाता है 84, और 12 और 8 को गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 12 96। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी। ये मैंने आपको डिटेल में बताया, बहुत लोग का डिमांड था कि सर आप बहुत ही शॉर्ट में बताते हो, थोड़ा डिटेल बताओ, तो ये डिटेल वीडियो है, चाहता तो मैं इसको 4 लाइन में खत्म कर सकता था। चलिए चलते हैं, कभी कभी जो दिखने वाले हैं सुनने वाले हैं उसका भी बात मानना जरूरी है। 3 पहिए 1 मिनट में 20, 30 और 40 चक्कर लगाते हैं, कितने में, 1 मिनट में। यदि वे किसी एक विशेष स्थान से चक्कर लगाना प्रारंभ करें तो कितनी देर में वे उसी स्थान पर पुनः आ जाएंगे, ठीक है। एक अब हम क्या करते हैं, इसमें समय निकाल लेते हैं। तो एक चक्कर में लगा समय, एक चक्कर में लगा समय, ठीक है, एक चक्कर में लगा समय, तो एक चक्कर में लगा समय क्या होगा, 1 मिनट और चक्करों की संख्या, तो चक्करों की संख्या 20 है। अगले के लिए 1/30 हो जाएगा, नेक्स्ट चक्कर के लिए हो जाएगा 1/40, ठीक है। जब भी ऐसी कोई बात आती है ना, तो हमको हमेशा एलसीएम ही निकालना होता है। और यदि याद रखिएगा, जब भी हम घात भिन्न का निकालेंगे एलसीएम, तो ऊपर का निकलता है एलसीएम और नीचे का निकलेगा एचसीएफ, ठीक है। तो चलिए एचसीएफ निकाल लेते हैं, ऊपर का एलसीएम तो 1 ही होने वाला है, 1 से तो, क्योंकि 1 है तो 1 ही होने वाला है। अब नीचे का देखिए एचसीएफ, तो एचसीएफ क्या हो सकता है, 10, 10 एक हाई, 10 एक हाईएस्ट नंबर है जो तीनों को काट सकता है, 10 दूनी 20, 10 33 और 10 चौके 40, तो नीचे आ जाएगा 10, ठीक है, नीचे आ जाएगा 10। तो ये हो गया आपका 1/10 मिनट, 1/10 मिनट हो गया, ठीक है। लेकिन हमको सेकंड में निकालना है, ठीक है, सेकंड में निकालना है, तब क्या करेंगे, 1/10 गुना 60 करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 6 सेकंड, क्या हो जाएगा, 6 सेकंड, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, सबसे छोटी संख्या क्या है जिसको 6, 5 और 4 से विभाजित कर देते हैं तो शेषफल क्रमशः 3, 2 और 1 आती है। इस ऐसे प्रश्नों को देखिए, यदि आपको कोई भी सूत्र याद है, तरीका याद है, तब तो ठीक है। और मान लेता हूँ आपको ये प्रश्न देखने के बाद कुछ भी याद नहीं आ रहा है कि एलसीएम का सूत्र लगाऊं, कि एचसीएफ का लगाऊं, कि क्या लगाऊं, तब एक रामबाण उपाय ये है कि आप बारी बारी इनको भाग करके देख लीजिए, क्या करिए, बारी बारी इन सबको भाग करके देख लीजिए। थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन आपका आंसर ज़रूर आ जाएगा, ठीक है, आंसर इसमें ज़रूर आ जाएगा, ठीक है, इसमें आंसर आपको जरूर जरूर मिलेगा। तो मान लेते हैं यदि हम 6 से भाग करते हैं तो ये 6 दहम 60 हो जाएगा, ठीक है। यदि हम 63 को लेते हैं, मान लेते हैं ऑप्शन ए को, तो 6 दहम 60 और आपका रिमाइंडर बच जाएगा 3, ठीक है, तो यहाँ 3 के हिसाब से सही है। यदि हम 5 से डिवाइड करते हैं तो 5 से 15, 5 24, 5 25, 5 6 31, 5 7 35, चलिए 5 एकम 5 हो जाएगा, उसके बाद बच जाएगा आपका 5 2 10, 3 बच रहा है, देखिए यहाँ पे 3 बच रहा है जबकि बचना चाहिए था 2, तो ये मेरा आंसर तो नहीं होगा। अब मैं 61 के पास चलता हूँ, 6 से डिवाइड करेगा तो 6 दहम 60 हो जाएगा, लेकिन रिमाइंडर 1 बच जाएगा, तो ये भी मेरा आंसर नहीं होगा। अब मैं चलता हूँ 55 के पास, पहले 6 से कर लेते हैं, अरे दूसरी बात, ये 5 वाला है ना, तो 5 इकाई में अंग है तो पूरा पूरा डिवाइड कर देगा, 5 देखिए 5 को 55 पूरा पूरा डिवाइड कर देगा, बचना चाहिए था उसके पास 2, रिमाइंडर पूरा पूरा डिवाइड कर रहा है, 0 बच रहा है, तो ये भी मेरा आंसर नहीं है। अब हम 57 के पास चलते हैं, 5 से भाग करेंगे तो 5 एकम 5, 1 बचा और 17 हो जाएगा, 5 5 दिया 15,
17 में 15 गए, 2 बचा, ठीक है। तो ये 5 से पूरा नहीं कट रहा है, इसमें रिमाइंडर 2 बच रहा है, 57 से भाग देता है। 6 से भाग देके देखते हैं, 6 कम 6 12, 6 18, 6 चौक 24, 6 पंच 30, 6 छः 36, 6 छः 42, 6 छः 48, 6 निया 54 है ना, 6 छः निया 54, 9 बार में जा रहा है, 54 और 57 का अंतर होता है 3, तो ये बिल्कुल सही है। अब हम 4 से भाग करके देखते हैं, 4 एकम 4 और 4 एकम 4 एक 16 हो जाएगा, 4 चौके 16 17 है ना, एक अंतर आ गया, तो ये बिल्कुल सही है। तो देखिए ये हमारा रामबाण इलाज है, यदि आपको कोई भी चीज़ नहीं सूझ रहा है तब हम ऐसा कर सकते हैं, सीधा भाग करके देखते जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि इसी को अगर प्रोसेस से बनाना होता तब कैसे करते, ये देखिए, यदि इसको हम प्रोसेस से बनाते तब कैसे करते, ये देखिएगा, ठीक है, प्रोसेस से बनाते तब कैसे करते, ये देखिएगा, हम प्रोसेस से बना के बता रहे हैं। यदि हम, यदि हमको पता ही नहीं है, सबसे पहले यहाँ तो देखिए कितना कितना बच रहा है शेष, ठीक है। यदि हम 6 से डिवाइड करते हैं और अंतर आता है हमारा 3, और इन तीनों का अंतर आता है 3, ठीक है। 5 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना बचता है, 2, और इसका अंतर भी 3 है, ठीक है। 4 से डिवाइड करते हैं, रिमाइंडर आता है 1, तो इसका भी अंतर 3 है। यदि अंतर समान आए, ठीक है, तब क्या करना है, एलसीएम निकालना है और इसको माइनस कर देना है। ऐसा मैंने, यदि अंतर समान आए तो इस संख्या का एलसीएम निकालिए और जो अंतर आ रहा है ना उसको हम माइनस कर देंगे। बना के दिखाते हैं, 5 4 और 6 5 4 का एलसीएम क्या होगा, ठीक है। तो 6 5 4 का एलसीएम क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 60, कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा एलसीएम। अब इस एलसीएम में आप 3 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 57, ऑप्शन नंबर सी, ये ऐसा, ठीक है। आपको मैंने दोनों तरीका बता दिया, जो आसानी हो वो बना लीजिएगा। यदि तीन व्यक्ति अपने पिस्टल से बारी ये पहली बार एक साथ फायर करते हैं, तत्पश्चात वे क्रमशः 3, 5 और 7 सेकंड में अपने पिस्टल से फायर करते हैं, तो एक घंटे में एक वे तीसरे एक साथ फायर के पश्चात, तीसरे एक साथ फायर के पश्चात कितनी बार एक साथ फायर कर सकते हैं, ठीक है, कितनी बार एक साथ फायर कर सकते हैं, ये हमको पूछा गया, ठीक है। सबसे पहले हम इसका एलसीएम निकालेंगे, 3, 5 और 7, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा 105, क्योंकि तीनों के तीनों प्राइम नंबर है, जब भी प्राइम नंबर होगा तो इसका गुणनफल ही इसका एलसीएम होगा, ये हो जाएगा आपका 105, ठीक है, 105 इसका एलसीएम है। तो ये क्या चीज़ है, ये सेकंड में है, ठीक है, 105 सेकंड में है। तो एक घंटे में कितने बार फायर कर सकते हैं, तो एक घंटे सेकंड में है, तो इसको मिनट में लाना पड़ेगा, 60 सेकंड और ये एक मिनट, 60 सेकंड और एक मिनट में कितने सेकंड, 60 सेकंड, घंटे में आ गया ना 105, ठीक है। अब इसको डिवाइड करिए, डिवाइड करके पूरे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 34 बार, ठीक है, 34 बार। लेकिन ये ओरिजिनल आंसर नहीं है, क्योंकि पहले बार को भी लेना है, जो पहली बार ये फायर हुआ है उसको भी यदि हम ले लेते हैं तो 34 + 1 हो जाएगा, ये हो गया 35 बार में, ठीक है, 35 बार, तीन फायर के बाद बोला है ना, प्रथम तीन फायर को यदि हम बोला है ना, ये देखिए तीसरे एक साथ फायर करने के पश्चात, मतलब तीन बार फायर करने के पश्चात, तो तीन इसमें माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 32। तो वो एक घंटे में है ना कितने बार फायर कर सकते हैं, 32 बार फायर कर सकते हैं। अगला प्रश्न, 6, 72 और 120 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा। याद रखिएगा, जब भी महत्तम समापवर्तक पूछे तो आपका ध्यान सबसे छोटे वाले अंक के पास जाना चाहिए, ठीक है। सबसे छोटा अंक हमारे पास क्या है, 6, तो इसका महत्तम समापवर्तक कभी भी 6 से ऊपर नहीं होगा, या तो 6 होगा या 6 से कम होगा, 6 से ऊपर होने की संभावना ही नहीं है, तो यहाँ मैं 7 को काट देता हूँ। दूसरी बात, महत्तम समापवर्तक कहा गया है ना, तो महत्तम समापवर्तक हमेशा उस संख्या को पूर्ण रूप से काट देता है। महत्तम समापवर्तक ऊपर वाली संख्या को, जैसे यहाँ पे संख्या दिया गया है ना, 6, 72 और 20, जैसे 6 है और ये 72 है और ये है आपका 120, ये थोड़ा हौच पौच हो गया जी, ठीक है। क्या संख्या है, 6, 72 और 120, ये हमारी संख्याएं हो गई, संख्याएं हो गई। और जो HCF है, संख्या को हमेशा पूर्ण रूप से काट देता है, और नीचे हमको HCF दिया गया है, इसका मतलब जो आंसर होगा इस तीनों, इन तीनों संख्याओं को पूर्ण रूप से काटेगा। क्या 4 इसको काट सकता है, क्या, बिल्कुल नहीं काट सकता, 4 मेरा आंसर नहीं होगा, ठीक है। क्या 7 काट सकता है, क्या, तो मैंने पहले बता दिया है 6 छोटा है, 7 तो आंसर हो ही नहीं सकता। अब 6, 3 के बारे में हम देखते हैं, 3 इस 6 को पूर्ण रूप से काट सकता है, ठीक है, 72 को भी काट सकता है और इस 120 को भी काट सकता है, ठीक है। लेकिन महत्तम का मतलब होता है हाईएस्ट नंबर, मतलब बड़ा नंबर, 6
छः को काटेगा, 72 को भी काटेगा और 120 को भी काटेगा। तो देखिए यहाँ पे 3 और 6 दोनों है ऐसे संख्याएं जो 6 और 72 120 को काट रहा है। लेकिन जब भी आप एचसीएफ की बात करते हैं तो हम बड़े संख्या को लेते हैं, तो इसमें से 6 और 3 में बड़ा कौन सा है? 6। तो ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, ये मैंने लॉजिक वे से बनाया, ये मैंने लॉजिक वे से बनाया, ज़्यादा अच्छा हुआ। आपको अलग अलग तरीका बनाने आना चाहिए अलग अलग तरीके से। यदि दो संख्याओं के लघुत्तम समापवर्तक तथा महत्तम समापवर्तक का जो गुणनफल है, ठीक है, गुणनफल है वो 432 गुना 18 है, तो एक संख्या 54 तो दूसरी संख्या क्या होगी? सिंपल फार्मूला है, अभी तक हम जो पढ़ते हैं एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर ए इंटू बी, ए टू बी मतलब संख्या। हमको एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल दे दिया गया है 432 गुना 18, और एक संख्या का मान दे दिया गया है 54 और दूसरे संख्या का मान ज्ञात करना है। तो कैसे निकाल सकते हैं? 18 कम 18, 18 तिया 54, 3 बार में कट गया। ठीक है, अब इस 432 को भी हम 3 से काट सकते हैं क्या? ठीक है, 432 को हम 3 से काट सकते हैं क्या? बिल्कुल काट सकते हैं। ठीक है, 432 को हम 3 से काट के बता रहे हैं, देखिए ये 432 हो गया, 3 से फायर कर देते हैं। तो 3 एकम 3, 5 हाथ का 1 और 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 चौके 12 भी हो जाएगा, बचा 1, 3 तिया 3 चौके 12, 144, मतलब बी की जो वैल्यू है 144 है। ये तो हमने बना के निकाल दिया, क्या क्या है तो हमने सॉल्व करके निकाल दिया। अब इसके हम यूनिट डिजिट से निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे? देखिए यूनिट डिजिट निकालना चाहें तो यहाँ यूनिट डिजिट 2 है और यहाँ 8 है, 8 × 16, कहने का मतलब है 8 × यूनिट डिजिट में एनी हाउ 6 आना चाहिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे यूनिट डिजिट 4 है और सबका यूनिट डिजिट अलग अलग है। अब 4 का गुना यदि मैं 8 से करूँ तो 8 × 32 यूनिट डिजिट आ रहा है 2, जो मेरा आंसर नहीं हो सकता है, 2 आया है, 4 × 8 हो जाएगा, ये भी गलत है, यूनिट डिजिट 6 आना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे 6 को ले सकता हूँ तो 6 × 24 हो रहा है, ठीक है, आना चाहिए था 6, नहीं आया क्या? 24 आ रहा है, यूनिट डिजिट 4 आ रहा है, ये भी गलत। अब 4 आ गया यूनिट डिजिट में तो 4 × 16, तो यहाँ यूनिट डिजिट में पुनः 6 आ गया। तो आप इस प्रकार यूनिट डिजिट से भी इसको बना सकते थे। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे क्रमशः 14, 16, 20 से भाग देने पर शेषफल 9, 11 और 15 बचे, 9, 11 और 15 बचे। ठीक है, तो ऐसे संख्या में क्या करना है? देखिए इसका जो अंतर समान होता है, ठीक है, इसका जो अंतर है समान होता है, देखिए 14 और 9 का अंतर करेंगे तो 5 आएगा, 20 और 15 का अंतर करेंगे तो 5 आएगा, 16 और 11 का अंतर करेंगे तो 5 आएगा। जब भी अंतर समान आए तब क्या करना है? आपको निकालना है एलसीएम और इसको माइनस कर देना है। ठीक है, अंतर को माइनस कर देना है, एलसीएम निकाल के आपको अंतर को माइनस करना है। तब हमारे पास 14 है, 16 है और 20 है। अब इसको हमको एलसीएम निकालना है। एलसीएम कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले 20 को हम फैक्टराइज कर देते हैं, 20 को फैक्टर में जोड़ेंगे तो ये हो जाता है आपका 5 × 20 होता है ना, तो 5, 2 × 2, 5 × 20 हो गया। 16 को हम कैसे बांट सकते हैं? 4 × 16 मतलब 2 × 2 × 2 × 2। ठीक है, 2 × 4, 4 × 2, 4 × 2, 16, कितने 2 है? ऊपर 2, 2 है और नीचे हमारे पास 2, 2 पहले से है, तो इस 2, 2 का हमको पता ही जरूरत ही नहीं है, बाकी 2 × 2 है, इसको हम यहाँ पे गुणा के रूप में लिख देते हैं। अब 14 है, 14 को हम कैसे तोड़ सकते हैं? 7 × 2 = 14, 2 हमारे पास पहले से है तो 2 को हटा दीजिए, 7 है, 7 नहीं था तो 7 को ऐड कर दीजिए। अब इसको पूरा गुणा करेंगे तो हमारे इसमें एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, तो 5 × 10, 5 × 10, 10 × 20, 20 × 40, 40 × 80 और 8 × 56, मतलब ये हो जाएगा आपका 560। ठीक है, क्या आ जाएगा? 560, लेकिन ये एलसीएम है, याद रखिएगा। ठीक है, ये एलसीएम है। अब इस एलसीएम में हमको जो कॉमन कितना बच रहा था, सब में कॉमन 5 बच रहा था ना, 14 और 9 का अंतर 5 है, 16 और 11 का अंतर 5 है और 20 और 15 का अंतर 5 है, तो इसी अंतर को यहाँ पे माइनस करना है। तो 560 में 5 माइनस करने के लिए हो जाएगा आपका 555, उत्तर हो जाएगा 555, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक एवं लघुत्तम समापवर्तक, ठीक है, 82 और 574 है, यदि उनमें से एक संख्या 287 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। सेम प्रोसेस है, कोई दिक्कत नहीं होगा। दो संख्याओं हमने अभी तक लिखते हैं एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर होता है ए इंटू बी। ठीक है, तो हमको एलसीएम एचसीएफ दिया हुआ क्या? बिल्कुल दिया हुआ है, 182 है, जो भी हो एलसीएम एचसीएफ जो भी हो दोनों का गुणनफल हमको लिखना ही है 574। अब कोई एक संख्या दे दिया गया है 287 गुना पी। चल अब देखिए, अब हम यहाँ से इकाई अंक बनाना शुरू करते हैं, तो यहाँ पे 2 है और यहाँ 4 है, तो 4 × 8 आ रहा है, मतलब इकाई अंक आ रही है 8।
बराबर के बाद इकाई अंक 8 होना चाहिए। हमारे पास 7 है, 7 का किससे गुना करें कि 8 आ जाए, तो 7 × 2 = 14, 7 आ रहा है, ये नहीं हो सकता। 7 × 4 = 28 है ना, यहाँ पे यूनिट से 8 आ रहा है तो ये हो सकता है, 7 × 7 ये नहीं हो सकता, निश्चित नहीं किया जा सकता। तो देखिए जब भी ऐसा आंसर होगा तो 8 तो आ रहा है तो इसका उत्तर हो जाएगा 164, मतलब बी की वैल्यू हो जाएगी 164। कैसे निकालें? यूनिट डिजिट से। और आपको यूनिट डिजिट से नहीं बनाना है क्योंकि हमको निश्चित नहीं किया जा सकता ये भी लिख के दे दिया गया है, तो सिंपली आप जो मैथ्स का फार्मूला होता है उसमें रखा लीजिए, है ना। 287 को हम क्या करेंगे, पक्षांतर करके इधर ले आएंगे और हम बी का मान निकाल देंगे। सॉल्व करोगे तो आंसर आपको यही मिलने वाला है, 164। 3 पृथक पात्रों में दूध एवं पानी का जो मिश्रण है क्रमशः 496 लीटर, 408 लीटर तथा 713 लीटर में है। सबसे बड़े पैमाने वाले फ्लास्क जो सभी अलग अलग मात्राओं को सही मापन कर सकता है कितने आयतन का होगा? जब भी ऐसे निकालना होगा तो आपको याद रखना है, आपको एससीएफ की ओर अपना ध्यान खींच के ले जाना है कि इसका हम एससीएफ कैसे निकाल सकते हैं और इसका एससीएफ क्या होगा, ठीक है, इसका एससीएफ क्या होगा, इसको हमको निकालना आना चाहिए। इसका एससीएफ क्या होगा, इसको हमको निकालने आना चाहिए। तो देखिए हमको एससीएफ किसका किसका निकालना है, 496, 408 और ये हो जाएगा आपका 713 लीटर, ठीक है। इसका एससीएफ आया क्या कर सकते हैं, बाय ऑप्शन भी बना सकते हैं। बाय ऑप्शन कैसे करना है, आपको एक एक संख्या को सॉल्व करना है, ठीक है, एक एक संख्या को, मतलब एक से तो सभी भाग जाएगा तो एक तो मेरे ख्याल से आंसर हो भी सकता है, ठीक है, एक से सभी के सभी इसमें भाग चला जाता है एक का। यदि और सॉल्व करना चाहते हैं तो क्या 7 से भाग जाएगा सभी के सभी, 81 से भाग जाएगा या फिर 31 से भाग जाएगा, इस प्रकार का देख सकते हैं। और नहीं तो आपको डिफरेंस मेथड लगा कर इसको यूज में लाना है। इस प्रश्न को या तो आप बारी बारी से भाग करके देख लीजिए, क्या 7 से सभी संख्या भाग जाइए, अगर 7 से सभी संख्या भाग जाइए तो वो आंसर हो सकता है 41 से जा रहे कि 31 से जा रहे, यदि सभी से जा रहा है तो सबसे बड़ा वाला आंसर लीजिए और जिससे भी जा रहा होगा उसमें आप आंसर लगा सकते हैं। ऐसा नहीं करना चाहते तो आप सीधा जो हमारे जो सिंपल जो हमने गांव में सीखा था गांव के स्कूल में वाला लगाइएगा। सबसे बड़ा संख्या हमारे पास 713, इसको हम डिवाइड करेंगे 408 से, ठीक है, 408 से डिवाइड करेंगे तो एक बार में चला जाएगा 408, ठीक है, घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, घटाएंगे तो बच जाएगा 305। अब 305 को हम, अब 305 से किसको भाग देंगे, 408 को भाग दे देंगे, 408 से भाग देंगे तो एक बार में चला जाएगा 305। माइनस करेंगे ना, यहाँ माइनस हो रहा है, माइनस करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 103 हो जाएगा, 103 हो जाएगा। अब 103 से किसको भाग देना है, तो 103 से भाग देना है आपको 305 को। इस प्रकार से लगातार जब तक एक नहीं आ जाएगा तब तक आपको सॉल्व करते जाना है। दो बार में जाएगा, दो बार में जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 206, 305 में 206 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 99। अब 99 से किसको, 99 किसको भाग देगा, तो 99 जो है जस्ट इसके पहले 103 को भाग देगा, 103 को भाग देगा तो एक ही बार में जाएगा, 99 कम 99, बचा कितना, बचा हमारे पास 4, ठीक है। अब ये 4 किसको भाग देगा, 99 को भाग देगा, ठीक है, 99 को भाग देगा, कितने बार में चला जाएगा, 24 बार में जाएगा, ठीक है, 24 बार में जाएगा तो 24 चौके हो जाता है आपका 96, क्या हो जाएगा 96, बचा 3। अब 3 किसको भाग देगा, 3 भाग देगा 4 को, ठीक है, 3 भाग देगा 4 को, 3 × 3 रिमाइंडर आ गया 1, ठीक है, रिमाइंडर आ गया 1। अब 1 किसको भाग देगा, 1 3 को भाग देगा, तो 1 3 को पूरा पूरा भाग दे दिया, दे दिया, तो इसके हिसाब से हमारा आंसर आ गया 1, ठीक है। तो आप भी इसको ऐसे निकाल सकते हो, ये 0 बार में चला जाएगा ना, इसको आपसे निकालना था। अगला प्रश्न, 4052 तथा 12576 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा, ठीक है, महत्तम समापवर्तक क्या होगा, ठीक है, महत्तम समापवर्तक क्या होगा, इसका मतलब ये है कि ये हमारी संख्या है, संख्या को हमेशा महत्तम समापवर्तक पूर्ण रूप से भाग देता है। क्या 5 इन संख्याओं को पूर्ण रूप से भाग दे सकता है, क्या, बिल्कुल नहीं, क्योंकि 5 से भाग जाने के लिए, ठीक है, 5 से भाग जाने के लिए इकाई अंक में 5 या फिर 0 होना चाहिए, तो 5 तो भाग नहीं दे सकता, ठीक है, 5 जो है इसको भाग नहीं दे सकता, ये 7 से भी भाग नहीं जाएगा, भाग करके देख लीजिएगा, भाग से नहीं आया। और 21 से भाग करने का रूल है 7 × 3, जब 7 से ही भाग नहीं जा रहा तो 21 से कैसे भाग जाएगा, 13 से भी ये भाग नहीं जाएगा। अब 4 से भाग करके देखते हैं, 4 से भाग करने का रूल है कि लास्ट के अंकों को भाग करके देखना है, ठीक है, लास्ट के अंकों को भाग करके देखना है, तो 4 × 4 और 4 × 3 = 12, ये 4052 तो चला जाएगा 4 से। इसको हम 76 को भाग करके देखिए, 4 × 4
और बचा 3 4 36, ठीक है, तो ये भी भाग चला गया। तो ये हमारा ब्रह्मास्त्र होता है। यदि यदि आप इसको भाग भी से निकालने जाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, इससे अच्छा ये आपको भाग करके ही देख लीजिए, ठीक है। यदि 2 संख्या से भाग चला गया तो जो बड़ा संख्या होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से भी आपको बनाने आने चाहिए। 3 5 15 18 20 और 24 से पूरी पूरी विभाजित होने वाली वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है, वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसका वर्ग संख्या क्या होगा, ठीक है, इसका वर्ग संख्या क्या होगा, सबसे पहले इसका वर्ग निकालने के लिए हमको क्या करना रहता है, इस पूरे का हमको एलसीएम निकालना होगा, ठीक है, पूरे का हमको क्या निकालना होगा, एलसीएम निकालना होगा और वो फैक्टर के रूप में निकालना होगा, ठीक है। तो क्या हम इसे बना लेते हैं, देखिए 5 या 15 तो 3 इस 5 में शामिल है, ठीक है, 15 में शामिल है तो 3 का निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है, 5 5 या 15 तो 5 20 में शामिल है तो निकालने की जरूरत इसमें नहीं है। अब हम 24 20 और 18 15 का एलसीएम निकालते हैं। 24 को यदि हम प्राइम फैक्टर करते हैं तो कैसे लिख सकते हैं, 8 12 2 24 लिख सकते हैं, तो 2 12 को कैसे लिखते हैं, 4 3 12 2 गुना 2 2 4 4 3 4 3 12 और 12 2 24, ठीक है, ऐसा हम इसको लिख सकते हैं, गुणा, ठीक है। अब देखिए हम 20 को कैसे प्राइम फैक्टर कर सकते हैं, 20 को हम कैसे प्राइम फैक्टर कर सकते हैं, और या ऐसा हम नहीं करना चाहते तो हमारे पास जो बचपन वाला तरीका है वो हम अपना लेते हैं, 5 और 3 का तो निकालना नहीं है तो सभी का हम यहाँ पे एक बार प्राइम निकाल लेते हैं, सभी का एक साथ निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 15 18 20 और 24, 2 से पहले लगाते हैं तो 15 तो जाएगा नहीं, 18 9 2 18 हो जाएगा, 10 2 20 हो जाएगा और 12 2 24 हो जाएगा। फिर से 2 से निकालेंगे तो 15 तो जाने वाला नहीं है, 9 भी नहीं जाएगा, 5 2 10 हो जाएगा और 6 2 12 हो जाएगा। 2 से एक बार और निकालते हैं, 15 नहीं जाएगा, 9 तो नहीं जाएगा, 5 भी नहीं जाएगा, 6 चला जाएगा, 2 3 6 तो 3 2 6 हो जाएगा। अब हम 3 से काट के देखते हैं तो 3 5 15 3 3 9 5 हो जाएगा और 3 1 3, ठीक है, 3 अभी भी बचा है तो 3 चल जाएगा, 5 1 5 और 1, 5 से भाग चला जाएगा तो 5 1 5 1 5 1 5 1, ठीक है। अब हम इसको लाइन से लिखते जाते हैं तो 2 गुना 2 गुना 2, ठीक है, उसके बाद है आपका 3 गुना 3 गुना 5। जब भी ऐसा प्रश्न आ जाएगा, आपको पूछा गया है कि वर्ग संख्या, वर्ग कब बनता है, जब 2 का युग्म होता है तब वर्ग बनता है, ठीक है। तो 2 का युग्म हमारे पास कहाँ बन रहा है, यहाँ पे एक युग्म बन रहा है, ठीक है, और ये क्या चीज़ है हमारा, 5000 3 है ना, ये 3 है, 3 2 बार गया है तो हमारे 3 का युग्म बन रहा है, लेकिन हमारे पास 2 और 5 का युग्म तो बन रहा है। सबसे पहले हम एलसीएम निकालेंगे तो इस पूरे को गुणा कर लीजिए, ठीक है, इस पूरे को गुणा करेंगे तो हो जाएगा आपका 360। अब हमको वर्ग की जरूरत है, ये 2 अकेला है तो इसको एक जोड़ी चाहिए तो 2 और चाहिए हमको, ये 5 अकेला है तो 1 5 और चाहिए तो 5 2 10। अब इस 10 का गुणा आप यहाँ कर दीजिए, ये हो जाएगा आपका 3600, ये है आपका पूर्ण वर्ग, ठीक है, क्या हो जाएगा, पूर्ण वर्ग है जो इससे पूरा पूरा भाग चला जाएगा, पूरे पूरे रूप से इसमें भाग चला जाएगा। अगला प्रश्न, सबसे बड़ी संख्या क्या है जो 32 64 तथा 120 को, क्या कहा गया है, 32 64 तथा 120 को पूर्णतः विभाजित कर सकती है, ठीक है, पूर्णतः विभाजित कर सकती है। तो ऐसे केस में हमको क्या निकालना होता है, ऐसे केस में हमको निकालना होता है इसमें HCF, ठीक है। अब ऐसे केस में हमको HCF निकालना होता है तो अब इसको लॉजिक से बनाइए, क्या 10 इस 32 को भाग दे सकता है, बिल्कुल नहीं दे सकता है, ठीक है, बिल्कुल दे सकता है। क्या 8 इस भाग, 8 चौके 32 और 8 8 64, ठीक है, 8 से तो कट जाएगा, क्या 8 120 को पूर्ण रूप से भाग देता है, क्या 120 और 8, 8 1 8 एक बार में चला जाएगा और बचा कितना 4, तो 8 5 40 8 से भाग चल जा रहा है। जब 8 से भाग चला जाएगा तो 16 से भी चला जाएगा, गुणा करके देखते हैं, 16 2 32 और 16 भी कट जाएगा, 16 4 64, ठीक है। अब 120 को आप 16 से गुण भाग करके देखिए, 16 से भाग करके देखिए तो 16 1 16, ठीक है, 120 से इसको भाग करके देखिए, ठीक है, तो जो 16 है 120 को काटता नहीं है, 32 32 32 से कम 32 और 32 2 64, लेकिन 120 नहीं कट रहा है तो हमारा आंसर आ जाएगा 8, ठीक है। तो आप ऐसा भी निकाल सकते हैं, कुछ ज़रूरी नहीं है कि उसको प्राइम फैक्टर करने के बाद भी आप एलसीएम निकाल पाएंगे, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है, आप इस प्रकार से बाय ऑप्शन भी कर सकते हो। अगला प्रश्न,
240 तथा 400 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा? फिर से मैंने बताया, क्या 100 पूरा 400 को भाग दे देगा? बिल्कुल दे देगा, लेकिन ये जो 10 जो है ना, 100 जो है 240 को पूर्ण रूप से नहीं काट पाएगा, बिल्कुल नहीं काट पाएगा, तो 100 मेरा आंसर नहीं हो सकता। 120 कभी भी 400 को पूर्ण रूप से नहीं काट पाएगा, काट पाएगा क्या? ठीक है, 120 जो है, नीचे हमको दिया गया है 120, ठीक है, 120 जो है 400 को कभी भी पूर्ण रूप से काटता है कि नहीं काटता है? तो बिल्कुल नहीं काट पाता, तो 120 भी नहीं हो पाएगा। अब हमारे पास आंसर आता है 40 और 80। अब देखिए, 40 तो 400 को काट देगा, ठीक है, 40 तो 400 को काट देगा, और 40 जो है 240 को भी काट देगा, ठीक है, तो एक बार 40 मेरा उत्तर हो सकता है। अब हम 80 को भी देख लेते हैं, 80 400 को काटेगा कि नहीं काटेगा? तो 80 जो है 400 को भी काट सकता है 5 बार में। अब 240 बच गया, तो 240 को जो है 80 भी काट सकता है 3 बार में, मतलब 240 और 400, 40 और 80 से कट सकता है। लेकिन हमको महत्तम पूछा गया, महत्तम का मतलब होता है बड़ा, ठीक है, महत्तम का मतलब होता है बड़ा, तो इसमें बड़ा कौन सा है? 80, ठीक है, ये इसका उत्तर हो गया, ठीक है। और नहीं बनाना चाहते तो इसका प्राइम फैक्टर कीजिए और कॉमन निकाल के बनाते रहिए, लेकिन उसमें समय लगेगा, ठीक है, एग्जाम में आपको ये बहुत ही लाभकारी होगा, बहुत जल्दी आप इसमें आंसर बना सकते हैं, ठीक है। तो ये था आज का हमारा वीडियो, मिलेंगे इसके बाद अगले टॉपिक में, इसी का टॉपिक और बचा है, उसमें हम अगले वीडियो में और प्रश्न करेंगे एलसीएम एससीएफ का। धन्यवाद।